हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में अगर आपको कोई मार्केट में एंट्री करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो किन किन फैक्टर के ऊपर ध्यान देना होता है। यहाँ पे हम बायर फाइंडिंग का नहीं बात कर रहा हूँ, मार्केट में कैसे एंटर किया जाता है उसके बारे में बात करता हूँ। तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फैक्टर है, ट्राई करेंगे जितना सीखने की कोशिश करेंगे, वी कैन लर्न। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट इज कॉल्ड कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अंडरस्टैंड जो बात कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना कि उस कंट्री, किसी भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, लाइक अगर वो मिडिल ईस्ट में है तो ना, अरबिक कल्चर एंड एवरीथिंग, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट कल्चर एज वेल, है ना। हर कंट्री का अपना अपना अलग होता है। तो ये देखना कि उस कंट्री में लोगों का ट्रेडिशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक। फिर वो रिलीजियस कितना हॉलीडेज करते हैं, गिव्स गिविंग एंड कस्टम। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप कभी भी चाइनीज लोगों के साथ काम करोगे ना, तो एक ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और एक उनके कस्टम में भी है, सो ऑलवेज गिव देम अ टू ऑरेंजेस, जो होता है ना कीनू जिसे बोलते हैं, नॉट एक्जैक्टली ऑरेंजेस, कीनू टाइप जैसे होता है ना, वेलेंशियंस ऑरेंजेस हो गया ऑस्ट्रेलिया का, या तो आपका कीनू जो नॉर्थ इंडिया में मिलता है वो दोगे तो उसके लिए वो एज ए लकी चार्म मानते हैं, है ना, कि आपने एज अ गिफ्ट के तौर पर किसी को गोल्डन चीज दिया, एक वो चीज़ है। यू शुड नो द एथिकेट्स, हर कंट्री का अपने अपने एथिकेट्स होते हैं, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अब एथिकेट्स में कैसे होता है कि आप मार्केटिंग और सेल्स कैसे करोगे, उसका भी यह तो ये नहीं कि जो इंडिया में टेस्ट चल रहा है, इंडिया में जैसे कल्चर है, हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। द वे यू ग्रीट, है ना, लोगों से कैसे मिलते हो, नेगोशिएशन कैसे करते हो, फिर आप कॉन्टैक्ट कैसे करते हो, मीटिंग कैसे कंडक्ट करते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कंट्री में। समटाइम्स किसी किसी कंट्री में ना, आप जब वुमेन को हैंडशेक करते हो ना, वाला भी नहीं, किसी किसी कंट्री की बात करो, सर्च कर लेना, बहुत सारी ऐसी कंट्री मिल जाएगी। बहुत सारी मतलब एक लिमिटेड में है, बट मैक्सिमम क्या इसमें आप रिस्पेक्ट से, जैसे जापान में झुक के काम करते ना, ऐसे मतलब रिस्पेक्टफुली, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये कल्चर वैल्यूज में आता है। फिर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसा होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना फॉर एंटरिंग इन टू मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोडक्ट लेबल्स किस लैंग्वेज में डाल रहे हो, पैकेजिंग किस साइज में चलता है, क्योंकि समटाइम्स कोई 100 ग्राम का प्रेफर करता है, कोई 200 का, कोई 500 का, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद जो भी आप ट्रांसलेट कर रहे हो इंग्लिश टू अदर कंट्री में, एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, क्योंकि प्लेज अ मेजर रोल, राइट।